मैं आज आपको बताने वाला हूँ काली लिनक्स के इंस्टॉलेशन के बारे में कि कैसे इंस्टॉल करते हैं काली लिनक्स। काली लिनक्स एक ऐसे ओएस है जो हैकिंग को सपोर्ट करता है। खाली हैकिंग को ही नहीं, इथिकल हैकिंग को भी सपोर्ट करता है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टॉलेशन के बारे में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेक्सटोपिया, मैं आशीष दास। आप लोगों को बता दूं, मैं काफ़ी लोग काली लिनक्स इंस्टॉल कर लेते हैं अपने लैपटॉप के स्टोरेज में सीखने के बहाने। कुछ दिन यूज करने के बाद उनको अगर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं वो, तो उसको फिर से अनइंस्टॉल करते हैं। जबकि वो इंस्टॉल करते टाइम अपने विंडोज को अनइंस्टॉल करके काली लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं आपको आज ऐसे एक चीज बताने वाला हूँ जो कि काफी लोगों को पता भी होगा, अगर जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए है ये वीडियो, कि काली लिनक्स को कैसे लाइव बूट करें, कैसे एक पेन ड्राइव में काली लिनक्स को इंस्टॉल करके काली लिनक्स को कैसे यूज करें। वो आपका हार्ड डिस्क नहीं यूज करेगा काली लिनक्स इंस्टॉल होने के लिए। आपको कैसे ही आपको एक 8GB के पेन ड्राइव में काली लिनक्स इंस्टॉल करना है, जिसको कि हम लाइव बूट बोलते हैं। लाइव बूट इन द सेंस जो आपका हार्ड डिस्क से लोड होके स्टार्ट होता है उस जगह पे ही है, वो पेन ड्राइव से लोड होगा और उसी से बूटिंग होके स्टार्ट होगा, या आपके पीसी या लैपटॉप का बाकी सब हार्डवेयर यूज करेगा खाली हार्ड डिस्क छोड़ के। तो चलिए देखते हैं कैसे काली लिनक्स इंस्टॉल करना है पेन ड्राइव में। आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं वीडियो बनाता रहता हूँ गेम मोडिंग रिलेटेड, हैकिंग रिलेटेड, इथिकल हैकिंग रिलेटेड, और इसके आगे मैं टेक प्रोडक्ट्स का अनबॉक्सिंग भी करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि काली लिनक्स का लाइव बूट कैसे क्रिएट करना है, तो चलिए मैं दिखा देता हूं। आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आपको काली लिनक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। ये काली का ऑफिशियल साइट है जहां से आपको आपके सिस्टम आर्किटेक्चर के हिसाब से 32-bit या 64-bit जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा। आपको इधर से लेटेस्ट वाला काली इंस्टॉल करना है तो आपको इधर से डाउनलोड कर लेना है। मेरा पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्टॉलेशन कैसे करना है। ये एप्लीकेशन को आपको रन करना है। ये देखिए रन हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने एक 8GB का पेन ड्राइव लिया है जिसमें मैं लाइव बूट बनाने वाला हूँ, जो कि अभी फैट 32 फॉर्मेट में है। आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस आपको ये एप्लीकेशन में ये पेन ड्राइव शो कर रहा है। आप अगर अलग अलग पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क आपका कनेक्टेड होगा एक्सटर्नल तो ये उसको डिटेक्ट करेगा। आपको जिसमें इंस्टॉल करना है उसमें सिलेक्ट करना है, बस इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। इसको फैट 32 डिफॉल्ट में ही रहने देना है, ये सब वैसे ही रहेंगे। आपको अगर नेम बदलना है तो इधर आप लिख सकते हैं लाइव बूट, फिर आपको जैसे अली का ISO फाइल सिलेक्ट करना है। मेरा डी ड्राइव में है काली ISO फाइल है ये जो मैंने डाउनलोड किया था, ये 32-bit आर्किटेक्चर के लिए है। आपको मैं बेस्ट सजेस्ट करूंगा 32-bit वाला डाउनलोड कीजिए, 32-bit वाला लाइव बूट में बहुत सही से चलता है। बट मेरा अगर मैं आपको बता दूं, मेरा सिस्टम आर्किटेक्चर 64-bit का है बट मैं फिर भी 32-bit का मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आपको ये फाइल सिलेक्ट कर लेना है, बस ये हो चुका है, आपको खाली स्टार्ट करना है और यस
ये जब कंप्लीट हो जाएगा आपका लाइव बूट रेडी हो जाएगा। वीडियो काफी लंबा ना बने इसके लिए वीडियो को मैं इधर पॉज कर रहा हूं। जब ये लाइव बूट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद को आपको दिखाऊंगा रन करके। ए फ्यू मिनट्स चलिए हम देखते हैं। मैंने जो लाइव बूट बनाया था वो बन चुका है। ये पेन ड्राइव है जो अटैच्ड है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं लाइव बूट को रन करके। लाइव बूट को रन करने से पहले हमें हमारा डिवाइस को रिस्टार्ट करना है, नहीं तो शट डाउन कर दीजिए। मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ। डिवाइस रिस्टार्ट होने के बाद आपको जाना है फास्ट बूट मोड पे। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है यूएसबी स्टोरेज डिवाइस। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको फास्ट बूट मोड में F12 मार के जाना ना पड़े, उसके वजह से आपको क्विक बूट को एनेबल करना पड़ेगा बूट ऑप्शंस में। सकते हैं ये लाइव बूट चालू हो गया। आपको इसमें अगर परमानेंट इंस्टॉल करना है, इसी को भी आप बूटेबल बना के इंस्टॉल कर सकते हैं।